वैन ये कहना तो गलत नहीं होगा कि 2016 काफी जल्दी बीत गया, लेकिन इस साल कुछ ऐसे शोज आए जो चाहकर भी हम अपने दिल से नहीं भुला पाएंगे। सबसे पहला शो है एक दूजे के वास्ते, दो दोस्तों की कहानी जो बचपन से एक दूसरे को प्यार करते थे पर कभी कह नहीं पाए और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों अलग हो गए, बट देन डेस्टिनी ब्रॉट देम टुगेदर। अनफॉर्चुनेटली ये शो कुछ ज्यादा देर चल नहीं पाया, बट स्टिल इस शो ने जितना भी टाइम रन किया उस टाइम में उसने बहुत लोगों का दिल जीत लिया। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी विल बी द सेकंड शो व्हिच हैज सरप्राइज्ड एवरीवन। इस शो ने सबकी थिंकिंग ही चेंज कर दी। ये बात तो सही है कि आज भी देश में बेटा कहीं ना कहीं अपनी माँ और अपनी बीवी के बीच पिस जाता है, लेकिन वो बैलेंस कैसे बनाए रखता है ये कोई देव से सीखे। इस शो ने ना ही ऑन स्क्रीन बल्कि ऑफ स्क्रीन भी इसके पेयर्स को फेमस कर दिया है। द थर्ड शो वुड बी द ट्रायो ब्रदर्स बॉन्ड इश्कबाज। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये शो इतना हटके है पर फिर भी लोगों को इतना भा जाएगा। आज ये तीनों भाइयों की मिसाल तो पता नहीं लोग कहां कहां देते हैं। एवरीवन लव्स द बॉन्ड ऑफ दीज थ्री ब्रदर्स एंड आर क्रेजी बिहाइंड द शो। बेहद एक ऐसा शो है जो शायद इंडियन टेलीविजन को चेंज कर सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा लड़के ही साइको हों, कुछ लड़कियां भी साइको होती हैं। एंड जब लड़कियां साइको होती हैं तब तो उन्हें कोई बीट नहीं कर पाता। बेहद की ये जो तिगड़ी है इन सबको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। द शो इज समथिंग श्योरली अ फ्रेश फॉर द इंडियन व्यूअर्स टू वॉच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव जाना ना दिल से। 5:30 के स्लॉट पे जहां कोई शो नहीं टिक पाता वहां इस शो ने इंटरनेशनल ही सबका दिल जीत कर रखा है। एंड पीपल आर स्टिल लविंग द शो एंड वेटिंग फॉर द मोर ट्विस्ट एंड टर्न्स इन दिस शो। वेल एज वी बिड अड्यू टू 2016 वी वुड लाइक टू होप दैट द अपकमिंग ईयर्स इंडियन टेलीविजन हैज अ गुड चेंज एंड एवरीवन कीप्स लविंग द शोज। कमेंट बिलो एंड लेट अस नो योर फेवरेट शो अमंग दीज फाइव्स। For more updates, subscribe to Televites. Niyati Tiwari, Televites, Mumbai.